वालेकुम डे स्टूडेंट्स आर यू होप यू आर फाइन तो आज स्टार्ट लेते हैं चैप्टर नंबर थ्री से तो थ्री पॉइंट थ्री एक्सरसाइज से हम कुछ क्वेश्चन ले रहे हैं गो के ये क्वेश्चन आपके क्लास वर्क में शामिल नहीं बट होमवर्क में हैं तो आई वॉन्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इन ऑर्डर टू होम No, तो तो आपको बता रहा है आपने आप इनको एवेल्यूएट करना है। मतलब इनकी वैल्यू निकाल के आप बताएंगे कि क्या है तो आपके पास जो डिटर्मिनेंट है आप इसको जरा गौर से देखें ये कौन सी है जी कैन यू टेल ये कौन सी डिटर्मिनेंट है तो आप देखें इसमें कितनी रोज है वन टू थ्री तो ऑब्वियसली योर आंसर इज राइट कि एक ऐसी डिटर्मिनेंट है कि जिसमें थ्री रोज अवेलेबल है वी हैव गॉट थ्री रोज तो थ्री रोज हैं है इसमें बाय आप जरा कॉलम्स गिने तो आप कहेंगे जी वन टू थ्री ओके तो ये थ्री बाई थ्री मैट्रिक्स है थ्री बाई थ्री डिटर्मिनेंट है तो इसको आपने एक्सपैंड करना है तो इसको एक्सपैंड करने के लिए आप जानते हैं कुछ रूल्स हम फॉलो करते हैं तो प्रोसीड करते हैं हेड नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं तो इसको एक्सपैंड करने के लिए क्या है अगर आप इसे एक्सपैंड करें वेरियस तरीके होते हैं एक्सपैंड करने के तो हम इसे एक्सपेंड कर रहे हैं कैसे एक्सपैंडिंग बाय रो नंबर वन अब देखिए रो नंबर वन में पहला एलिमेंट क्या है यू विल से फाइव ओके अब आपको पता है कि जब आप फाइव लिखेंगे ये आपने फाइव लिख दिया तो जिस कॉलम में है उस कॉलम का कोई एलिमेंट ना आए देखें ये कॉलम है इस कॉलम को छोड़ दें पूरे को और ये जो पहली वाली रो है इस पूरी रो को छोड़ दें तो रिमेनिंग एलिमेंट्स आपके पास क्या आएंगे यू विल से माइनस वन माइनस थ्री वन एंड टू तो माइनस वन माइनस थ्री वन एंड टू तो इस तरह से आपके पास ये वन है जबकि ये टू फिर आपको पता है कि जब हम सेकेंड एलिमेंट को एक्सपेंड करते हैं तो पहले के लिए प्लस होता है और जो दूसरा है जब उसका हम को फैक्टर निकालते हैं तो को फैक्टर नेगेटिव निकलता है तो ये पहले माइनस लिख देंगे और फिर दूसरा एलिमेंट लिख देंगे नो लेट्स सी सेकेंड एलिमेंट के आई यू विल से इट इज़ टू माइनस टू तो ये आप माइनस ट्री ना लिख देंगे अब डिटर्मिनेंट के अंदर एलिमेंट्स क्या आएंगे तो वेरी सिंपल तो आप क्या बताएंगे आप कहेंगे जिस रो और कॉलम में वो एलिमेंट वो एलिमेंट्स हैं छोड़ दें। तो इसके लिए मैं कलर चेंज कर रहा हूं। देखें, जो मौजूद है, है? है तो फर्स्ट रो तो का एलिमेंट कोई ना हो सेकेंड कॉलम कोई ना हो तो बाकी एलिमेंट्स क्या आते हैं यू विल से थ्री माइनस थ्री माइनस टू और टू ये एलिमेंट्स यहां पे आप देंगे थर्ड एलिमेंट के लिए बाहर चुके प्लस होता है तो थर्ड एलिमेंट आपके पास क्या आ जाएगा माइनस no okay. तो है, right? है वो है तीसरे कॉलम में तो आप क्या करेंगे छुपा लें की कोई एंट्री नहीं लिखनी है आपने और इसी तरह चुके फोर का ताल्लुक पहली रोज है तो उसको छोड़ दें तो बाकी एलिमेंट्स क्या गए आपके पास थ्री माइनस वन माइनस टू एंड वन ये आपने यहां पे लिख दिए अब इनकी एक्सपेंशन है डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करना हमने सीखा हुआ है तो क्या करेंगे आप मल्टीप्लाई करते हुए इन दो को आपस में मल्टीप्लाई करें और माइनस किस को करते हैं जो सेकेंडरी डायगोनल है इनके एलिमेंट्स को तो ये क्या आ जाएगा यू विल राइट टू वन ज टू यानी माइनस टू और फिर यहां क्या आ जाएगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो यू विल गेट प्लस थ्री यानी माइनस बाहर लगाएंगे और अंदर आ जाएगा प्लस थ्री तो यानी आपकी एक्सपेंशन जो है वो कुछ ऐसी बनेगी यहां देखते जाएं मैं कैसे एक्सपेंड करूँगा इसको मैं आगे बता देता हूँ थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ ये फाइव आ जाएगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करें टू वन जो टू दरमियान में माइनस होता है इन दोनों को मल्टीप्लाई करें यू विल गेट माइनस थ्री नेक्स्ट ये प्लस हो जाएगा अब इन दोनों को एक्सपेंड कर लें जनाब तो क्या आ जाएगा यू विल गेट थ्री टू जिक्स और माइनस अगेन थ्री टू जिक्स फिर माइनस फोर है तो फ्रॉम हेयर यू कैन गेट वट थ्री वन से थ्री एंड माइनस टू तो स्टूडेंट्स टर्म्स आपके पास आ गई हैं अब आपने इनको सिंप्लीफाई करना है तो जरा नेक्स्ट स्लाइड में देखें कि इसको हम कैसे सिंप्लीफाई कर रहे हैं वेरी सिंपल हैव अ लुक ऑन दिस तो ये क्या आ जाएगा थ्री माइनस टू जब इसे आप सॉल्व करते हैं डेढ़ स्टूडेंट्स तो ये देखें थ्री माइनस टू तो ये वन आ जाएगा यू विल गेट फाइव इन टू वन सिक्स माइनस सिक्स आपके पास जीरो हो जाएगा एंड थ्री माइनस टू आपके पास वन तो इस तरह रिजल्ट क्या आ जाएगा यू विल गेट फाइव प्लस जीरो माइनस फोर तो फाइव माइनस फोर करेंगे रिजल्ट आ जाएगा वन तो दिस इज योर फाइनल रिजल्ट डेयर स्टूडेंट्स इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज विदाउट एक्सपेंशन शो दैट दिस मच डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू जीरो अब आप उन्हें ये प्रूव करना है कि ये इसका रिजल्ट जीरो आता है तो डिटर्मिनेंट आपको दी गई है लेकिन उसने साथ ही कंडीशन ये लगा दी क्वेश्चन नंबर टू में विदाउट एक्सपेंशन कि आप इसको एक्सपेंड नहीं कर सकते एक्सपेंड भी नहीं करना और सॉल्व भी करना है और जीरो प्रूव भी करना है तो इसके लिए हमें जाहिर सी बात है हमें प्रॉपर्टीज का सहारा लेना पड़ेगा तो प्रॉपर्टी क्या कहती है कहते हैं इफ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल देन यू कैन टेक डिटर्मिनेंट इक्वल टू जीरो देन यू कैन टेक डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स इक्वल टू जीरो अब डिटर्मिनेंट आपको दी गई है तो टारगेट आपका क्या है टॉर्गेट ये है कि कोई सी दो रोज या कोई सी दो कॉलम्स हम इक्वल कर लें तो इसके लिए हमें इसकी कुछ असिस्टेंस लेनी पड़ेगी हमें सोचना पड़ेगा कि कौन से ऐसे कॉलम्स और रोज है उनको हम सॉल्व कर सकते हैं ओके लेट्स ये हेट क्या टेक्निक हम फॉलो करते हैं तो मेथड इसमें ये है बहुत आसान टेक्निक है ये जो पहले वाला कॉलम है इसको हम बिल्कुल किसी किस्म का इसमें चेंज नहीं ला रहे तो पहला कॉलम देखें आप मैंने वैसे का वैसे लिख दिया सारा पूरा कॉलम पहला जो है वो वैसे लिख दिया अब वेरिएशन क्या कर रहा हूं कॉलम नंबर टू माइनस कॉलम नंबर वन अब कॉलम नंबर टू का पहला एलिमेंट देखें क्या है सेवन अब इसमें से सेवन में से कॉलम वन का पहला एलिमेंट माइनस करेंगे तो सेवन माइनस सिक्स यू विल गेट वन ओके देन कॉलम नंबर का सेकंड एलिमेंट क्या मतलब अगर हम कॉलम ऑपरेशन करते हैं कॉलम नंबर टू के हर एलिमेंट में से कॉलम नंबर वन के हर एलिमेंट को माइनस करें तो आपके पास वन 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 आ जाएगा अच्छा इसको हम यू भी कह देते हैं बाजू का इसको कॉलम्स के टर्म में यू भी कह देते हैं कॉलम नंबर टू प्लस

वो तो चले डिफरेंट है बट कॉलम नंबर टू और इसके एलिमेंट्स सेम exactly है दे आर आइडेंटिकल वन तो आइडेंटिकल होने की सूरत में आप क्या कह देंगे कि जब इसके डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड किया जाएगा तो अंडरस्टूड आप अब इसे जीरो कह सकते हैं, हैं विदाउट एक्सपेंशन प्रूव कर दिया कि जो डिटर्मिनेंट हम ले रहे हैं उस डिटर्मिनेंट का रिजल्ट जीरो होगा लाइकवाइज एक और आपको दिया गया है क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए तो इसमें भी कहा गया है विदाउट एक्सपेंशन यानी आपने इसको खोलना नहीं है एक्सपेंड नहीं करना बट शो दैट ये इक्वल टू जीरो बहुत ज़्यादा है लेफ्ट हैंड साइड को टेकअप करते हैं अब लेफ्ट हैंड साइड पे आप देखें टू वन टू है और यहाँ कुछ एलिमेंट्स है तो हमें यही थोड़ा सा एनालिसिस किया कि अगर हम ऐसा करें कि अगर हम कॉलम नंबर वन और टू को आपस में ऑपरेट कर लें ये कॉलम नंबर वन और टू तो इसका मतलब थ्री वैसे तो देखें आपने थ्री कॉलम वैसे का वैसे लिख दिया उस पर किसी किस्म की कोई चेंज नहीं लाया हमें तो अब चेंजेस किस में आ रही है कॉलम वन और टू तो हम क्या कर रहे हैं कॉलम वन में से टू को माइनस करते हैं इसका मतलब टू वाला कॉलम भी हमने वैसे का वैसे लिख दिया अब ऑपरेशन सिर्फ किस में करना है कॉलम वन में लेकिन कैसे करना है कॉलम वन में से कॉलम टू को माइनस करके रिजल्ट यहां लिखना है तो आप देखें कॉलम वन का पहला एलिमेंट क्या है यू विल से टू इसका पहला एलिमेंट क्या है थ्री तो अगर हम टू में से थ्री माइनस करें तो क्या आ जाएगा आंसर माइनस वन तो ये देखिए हमने माइनस वन लिख दिया अब इसी तरह कॉलम नंबर वन का अगला एलिमेंट देखें यहाँ वन है और कॉलम नंबर टू का भी एलिमेंट वन है तो आप करेंगे वन माइनस वन या जीरो आ गया ओके डेढ़ स्टूडेंट्स ये हमने यहाँ प्लेस कर दिया इसी तरह जो थर्ड एलिमेंट है वो है टू टू माइनस इंटू माइनस थ्री करेंगे तो यू विल गेट टू प्लस थ्री यानी ये फाइव हो जाएगा तो डेढ़ स्टूडेंट्स देखें हमने फाइव लिख दिया तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सॉल्व हो गया बट यहाँ वेरी इंपॉर्टेंट ये है कि आप देखें कि कॉलम नंबर वन और कॉलम नंबर अगर आप थ्री को देखें तो क्या सिमिलैरिटी है यू कैन सी के कॉलम वन और थ्री बिल्कुल सेम है वो दोनों एक जैसे हैं तो हम यहां लिख सकते हैं एज कॉलम वन एंड थ्री आर सेम ये वर्ड इक्वल भी लिख सकते हैं सेम भी लिख सकते हैं एक और वर्ड हम यूज कर सकते हैं आइडेंटिकल का भी तो जनाब आइडेंटिकल है कॉलम नंबर वन और थ्री चूंकि आइडेंटिकल हो गए लिहाजा आंसर आपका जीरो होगा और ये है जीरो आपका देखें यहाँ राइट हैंड साइड पे था तो लिहाजा हम कह सकते हैं दिस रिजल्ट इज अगेन इक्वल टू राइट एंड साइड तो डेयर स्टूडेंट्स यू आर रिक्वायर्ड टू प्रैक्टिस ऑल दिस क्वेश्चन क्योंकि ये चूँकि एक्सलेटेड लर्निंग प्रोग्राम के तहत आपको पढ़ाया जा रहा है सिलेबस पहले ही शॉर्ट है और मैं आपको फैसिलिटेट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्लास वर्क के साथ साथ मैं आपको होमवर्क भी करा दूँ तो आपने कोशिश करनी है कि इनको बहुत प्रैक्टिस करें क्योंकि एटलीस्ट आप टू टाइम जरूर किया करें ठीक है आपको मैंने पहले भी बताया था प्रैक्टिस की कोई लिमिट नहीं होती बट यू शुड अटेम्प्ट लीस्ट ट्वाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग मी एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग मी सो यू आर रिक्वायर टू प्रैक्टिस दिस क्वेश्चन अगेन एंड अगेन सो दैट योर रिजल्ट में बी पॉजिटिव